بسم الله الرحمن الرحيم. और फिर जंगी खैबर का मरहला जब सुलह हुदैबिया के बाद खत्मी मर्तबत लौट कर मक्का से मदीना तशरीफ ले गए तो मुशरिकीन मक्का के अलावा खुद जहूद की जुरत में भी इजाफा हो और उन देखा कि जब खत्मी मर्तबत इतनी जिल्लत आमेज शरायत को कबूल कर रहे हैं और दस्तखत कर रहे हैं इसका मतलब मुसलमान अब कमजोर पड़ चुके उनमें पहले वाला दमखम नहीं रहा इसलिए उन्होंने भी जुरत की और जो जलावतनी का बदला था इसलिए कि जंगे अहज़ाब के बाद खत्मी मर्तबत ने यहूदियों से कहा कि तुम चले जाओ 10 दिन की मोहलत हो जितना सामान अपने हमरा लेके जा सकते हो ले जाओ अब किसी को इस आहद चिकने के बाद मदीना के अंदर रहने की इजाजत नहीं है यहां तक वो सारे के सारे मुंतकिल हो गए ये दो भाई थे एक का नाम यसरब एक का नाम खैबर यसरब जिसको मदीना कहा जाता है खत्मी मर्तबत से पहले यसरब कहा जाता था यहां इसकी औलाद आबाद हो यहां इसकी जमीनें थी और इसे 80 किलोमीटर के फासले पर दूसरा मकाम खैबर है जब दूसरा भाई आबाद हुआ और हेब बिन अख्तब वगैरह वहां से चले गए जब जलावतन किया गया तब खैबर की यहूदी मुसलसल दांत पीस रहे क्या करें जैसे जैसे दिन गुजर रहे उन्हें अपने वतन की याद सताती है और मुसलमानों के हाथों जिस खिफत और जिल्लत का इनको मरहला उठाना पड़ा इसलिए अब इन्होंने तय किया कि मुसलमान जबकि सुलह हुदैबिया कर चुके और इन्हें पहले वाला दम खम नहीं रहा तो चलो अब हम अपनी पिछली जिल्लत का बदला लेते हैं लिहाजा 16,000 जंगजू तैयार किए और यहां तक कि मुसलमानों का खौफ भी था कि कहीं कामयाब ना हो जाए 5 से 6 हजार जंगजू बनी गतफान के जो 4-5 किलोमीटर के फासले पर उनका कबीला आबाद था वो भी यहूदी थे उनसे कहा तुम भी हमारा साथ दो हम 1 साल के अनाज का आधा हिस्सा खैबर का तुम्हें देंगे आप जानते हैं खैबर बहुत जरखेज जगह थी यहाँ की खजूरें फल बागात फसलें वो जरखेज का आधा तुम्हें देंगे वो भी तैयार है यानी 5-6 हजार अफराद वो 16,000 अफराद ये और इधर से खत्मी मर्तबत को जब खबर हुई तो मक्का से पलटने के 20 दिन बाद 20 दिन मदीना में कयाम किया और फिर 1600 असहाब को अपने साथ लिया 1600 मुसलमान सिपाही पैगंबर के साथ चले जिनमें से 200 सवार थे बाकी 1400 पैदल पहुंचे खैबर में और जब खत्मी मर्तबत पहुंचे खैबर में तो इन दोनों के दरमियान पड़ाव डाला खैबर की यहूदियों के दरमियान और बनी गतफान के दरमियान ताकि आपस में मिल ना सके और यही हुआ पैगंबर की हिकमत अमली कारगर साबित हुई बनी गतफान की यहूदी जो इनके साथ आमेज करना चाह रहे थे मिलना चाह रहे थे जैसी वो तलवारें लेकर असलाह लेकर चले ताकि वो भी खैबर पहुंचे देखा मुसलमान रास्ते में पड़ाव डाला है तो वो घबरा कर वापस घरों में आ गए कि अगर हम उधर चले गए तो हमारी खवातीन को मुसलमान कैदी बना लेंगे कनीज बना लेंगे बच्चों को असीर कर लेंगे हमारे अंबार पर काबिज हो जाएंगे इस तरह से खत्मी मर्तबत ने उन दोनों को अलग रखा और फिर अभी जब पहुंचे आका खत्मी मर्तबत खैबर की सरजमीन पर तो आप दर्द शकीका में मुबतला थे यानी आधे सर का दर्द और पैगंबर किसी गुफ्तगू नहीं कर रहे तो बहुत सारे बुजुर्ग साहब ने अस खुद एक्शन लिया और हर रोज जाकर जंग करना शुरू किया अली इब्ने अबी तालिब आंसू में चश्म के शिकार तबकात इब्ने साद ने जुमले कि अली की आंखें इस कदर दुखी हुई थी कि आपको अपने कदमों के करीब की शय भी पड़ी हुई नजर नहीं आती अब इस सूरत हाल से बाज बुजुर्ग ने कहा चले हम इस फुर्सत को गनीमत जानते हैं माजी में तो कोई जंग फतह नहीं हुई चले आज हम खैबर फतह करते सो अफराद गए फौजी दस्ता अपने साथ लेते थे और जाके हमला करते थे ये 7 किले थे और सबसे ऊंचा जो बड़ा किला था और मजबूत और नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था ये किला इब्ने अबी अल-हकीक था जो कमूस की पहाड़ी पर वाकई था रफ्ता रफ्ता इसको फिर किला कमूस कहा जाने लगा फिर इसी सारी सरजमीन की निस्बत से इसको किला खैबर कहा जाने लगा बाकी 6 किले और ये सबसे मुश्किल तरीन किला जो बुलंदी पर था इसे तस्खीर करना मुमकिन नहीं था और वो मोर्चाजान थे अपने सिपाहियों को लेकर तीरंदाज आमाद और तैयार अब मुसलमान हर रोज जाते जंगी झड़पे होती थी अब मैं अगर खुलासा करना चाहूं तो शायद बात फैल जाए मुझे बहु मजर हसन जैदी साहब का जुमला याद आता कि मुसलमान जाते थे जंग खैबर में मुख्तलिफ सिपे साला जिनका तारीख ने जिक्र किया हर रोज जाते थे बड़ी सूरत से जाते थे भागते हुए लेकिन क्या मंजर था जब जाते थे देखिए एक जुमले में किस तरह से समोया उन्होंने कहा जब जाते थे तो झंडा लेकर और जब आते थे तो डंडा लेकर फुरेरा उस अलम का उन पर फेंक के आ जाते इतनी रफ्तार से पलट के आते यहां तक कि कई दिन गुजर गए और यहूदियों की हिम्मत और जुरत में मजीद इजाफा हो गया कि मुसलमान वाकई कमजोर हो गए और उन्हें नजर आने लग गया कि अब हमारी फतह यकीनी है यहां तक कि खत्मी मर्तबत को जब सारी सूरत हाल बताई गई तो आका ने 1600 मुजाहिदीन को सिपाहियों को मुसलमानों को
अपने खेमे के बाहर जमा किया और उसके बाद तारीखी जुमले इरशाद फरमाए जिन्हें इमाम इस्माइल बुखारी ने सही बुखारी में और मुस्लिम बिन हज्जाज ने सही मुस्लिम में और तिर्मिज़ी और इब्ने माजा और अबू दाऊद में और मुत्ता इमाम मालिक में इमाम मालिक ने और इसके अलावा इब्ने हशाम ने अपनी सीरत में इब्ने इसहाक ने इमाम शमसुद्दीन ज़हबी ने तारीख इस्लाम में इब्ने जरीर ने तबरी में और बाकी मुअर्रिखीन ने अपनी 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 तारीख और हदीस की किताबों में यहां तक के असर हाजिर के नामवर मुहद्दिस इमाम नासिरुद्दीन अल्बानी ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में दर्ज किए खत्मी मर्तबत के ये तारीखी कलिमात 1600 सिपाहियों को जमा किया और ये तारीखी जुमले इरशाद फरमाए अमा वल्लाह लऔतियन अर्रायत गदन रजुलन करारन गैर फरारन। सबसे पहला लफ्ज अमा, ये हर्फ तंबी है, हर्फ तंबी इसलिए ताकि कुछ बात जाया ना चली जाए और पहले सब मुतवज्जे हो जाए कि बड़ी अहम बात होने लगी है। जैसे कुरान के हुरूफ मुकत्तआत, कुरान की 114 में से 29 सूरतों के शुरू में हुरूफ मुकत्तआत है, अलिफ लाम मीम, इस तरह से शहीद बाकी उस्ताद ने इनकी 29 फलसफे बयान किए और उनमें से एक फलसफा ये कि अल्लाह इन हुरूफ मुकत्तआत के बाद इंतहाई अहम बात करना चाहता है कि कहीं कोई बात जाया ना चली जाए, इसलिए अल्लाह ने ये एक नया अंदाज जो इससे पहले अरब में राइज नहीं था इख्तियार किया, काफ या हा गैन साद, ताकि अरब इस एक रूटीन से हटकर नए अंदाज को देखते हुए मुतवज्जे हो जाए कि परवरदिगार क्या कहने लगा। इसी तरह से हर्फ तंबी, ताकि मेरा कोई एक लफ्ज जाया ना चला जाए। खत्मी मर्तबत के कलाम बलागत की अजीब मिसाल है, फरमाया अमा मुतवज्जे हो जाओ, होशियार, फिर शरी कसम उठाई, वल्लाह अल्लाह की कसम, लऔतियन्ना, लाम लाम ताकीद, नून फिर नून ताकीद सकीला, जिसका मतलब है जरूर बिजरूर, कुरान मजीद की आयत है, खत्मी मत, कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि जब भी तुम किसी काम को कल के साथ मंसूख करो कि मैं कल ऐसे करूंगा तो साथ इंशा अल्लाह कहा करो, ये कुरान कह रहा। और खत्मी मर्तबत की सुन्नत है जिंदगी में जब भी किसी काम को कल के साथ जिक्र किया हमेशा इंशाअल्लाह का, आपकी मौजूदगी में अगर किसी सहाबी ने कल का लफ्ज इस्तेमाल किया और इंशाअल्लाह नहीं कहा तो टोकते थे कि इंशाअल्लाह को, सारी जिंदगी खत्मी मर्तबत ने कभी लफ्ज इंशाअल्लाह के बगैर कल के लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा जब ये खैबर के मौका पर खत्मी मर्तबत ने फैसला कुन अंदाज इख्तियार किया और ये फैसला कुन अंदाज बता रहा है कि वही इलाही है और खुदा की तरफ से बशारत दी गई है, इसलिए खत्मी मर्तबत ने बगैर इंशाअल्लाह के ताकीद दर ताकीद इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए फरमाया होशियार हो जाओ, अल्लाह की कसम मैं जरूर बिजरूर कल अलम दूंगा उसे, लऔतियन राया, कल अलम उसे अता करूंगा। पहला बस छह बस बयान किए खत्मी मर्तबत ने अपने इस कलाम में, राजुलन जो मर्द होगा, तो खत्मी मर्तबत ने बताया कि मर्द होना और है और मर्द सूरत होना और है। रजुलन, और फिर दूसरा बस बयान किया कर्रार, इमाम रागिब इस्फहानी ने कर्रार का माना क्या बयान किया, कर्रार यानी बेहम, मुसलसल हमले करने वाला, ऐसा नहीं कि एक हमला करे फिर कामयाब हो जाए फिर छोड़ दे और बैठ जाए या आराम करे, ना, हमला करे और एक हमला करने के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हमलों पर हमले, पैहम, मुसलसल बिल इस्तियाब हमले करने वाला कर्रार, लऔतियन राया था गदन, अलम दूंगा कल जरूर बे जरूर उसे, रजुलन जो मर्द होगा, कर्रारन जो कर्रार होगा डटकर लड़ने वाला, और फिर गैर फर्रार, मुफ्ती साहब फरमाते हैं मुफ्ती जाफर हुसैन कि या तो ये कैद तौज़ीही है या कैद एहतराजी, अगर कैद तौज़ीही है तो मतलब ये कि बहुत शुजा और दिलावर और हिम्मत वाला, और कैद अगर एहतराजी है तो फिर ये दूसरों पर तंज किया जा रहा है कि उनकी शक्लें सिर्फ मर्दों जैसी थी लेकिन हकीकत में उनके अंदर मर्दानगी मौजूद नहीं थी। ये मुख्तसर तरीन कलाम है लेकिन इतनी बलागत है कि इसमें भागने वालों के खदोखाल भी रोशन किए खत्मी मर्तबत ने और फातेह खैबर के चेहरे की मंजरकशी भी कर दी। वल्लाह
لَغَوْتِيَنْ رَائَتَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ اور پھر يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو, محب خدا محب رسول. اور اگلی خصوصیت يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, صرف اللہ کا محب نہیں ہوگا, صرف رسول کا محب نہیں ہوگا, بلکہ محبوب خدا اور محبوب رسول, اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں. اور آخری خبر جو دی, یفتح اللہ علی یدی, اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا, نصرت عطا کرے گا. جیسے یہ بات سنی اب, جیسے کوئی انشاءاللہ کا لفظ نہیں, تاکید تر تاکید, یقین اندر یقین, ضرور بے ضرور. ان لفظوں کو سننے کے بعد ہر ایک کے اندر شمع امید جاگ گئی, شاید میں خوش نصیب ہوں. اس لیے کہ علی کی طرف سے سب مطمئن تھے کہ وہ تو بیمار ہے, آنکھیں خراب ہیں, علی نے جانا نہیں, تو ہم میں سے کوئی ہوگا, ہو سکتا ہے ہم ہو. کم سے کم ان افراد کو توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی جو پہلے چند مرتبہ جانے کے بعد واپس آ چکے تھے. اس لیے کہ ختمی مرتبہ نے جو افراد جو الفاظ استعمال کیے, ان افراد کی روشنی میں اب یہ خارج ہو جاتے ہیں اس تعریف سے, لیکن پھر بھی امید ہے. تفوق پر پسندی اور جہاں طلبی کا عنصر ہے, امید لگی ہوئی ہے. اور جب بھی پلٹ کے آتے تھے تو سپہ سالار شکوا کرتا تھا اپنے سپاہیوں کا, اور سپاہی شکوا کرتے تھے کہ سپہ سالار میں کمی ہے, ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے. لیکن ختمی مرتبہ نے فوج کو نہیں بدلا, سپہ سالار کو بدلا, اور اگلی صبح وہ تیار ہو کے آئے. امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں یہ لفظ لکھے کہ یہ رات صحابہ کرام نے بڑی مشکل اور بے چینی سے گزاری, ساری رات جاگ کر صبح کا انتظار کرتے رہے, کروٹیں بدلتے رہے, نہیں معلوم صبح کیا ہونے والا ہے. یہ اتنا بڑا اعزاز, یہ عزت و شرف, یہ کمال, یہ علم کل کسے عطا ہوگا. اور جب دوسرے دن صبح ہوئی, سب زرد برق لباس پہن کر آمادہ اور تیار ہو کر یہ 1600 افراد پیغمبر کے خیمے کے باہر جمع ہیں. علی بیمار ہیں اپنے خیمے میں, اور ابو سلمہ نے جا کر خبر دی کہ پیغمبر نے یہ اعلان کیا تھا. کر مولا متقیان نے اس کی بات سن کر سے ایک جملہ کا, کہا اے ابو سلمہ, جسے اللہ محروم رکھنا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ عطا کرنا چاہے اسے کوئی محروم نہیں رکھ سکتا. اب 1600 افراد پیغمبر کے خیمے کے گرد جمع ہے, باہر جمع ہے, آقا تشریف لائے. اور امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں, جس کے ایک ایک حدیث کو قرآن کے بعد اہمیت دی جاتی ہے, ایک ایک بات کو لکھا ہے, کہا کہ ایک شخصیت کا نام لیا جو اپنی گردن کو لمبا کر کے دکھا رہے تاکہ پیغمبر کی نگاہ پڑ جائے. شاید سمجھ رہے کہ پیغمبر ظاہر بین ہے, اگر میں نے دکھایا نہیں تو کیسے پتا چلے گا میں کتنا بڑا شجاع ہوں. درحالی کہ پہلے کئی مرتبہ کوشش کر چکے تھے. اور ساتھ پھر ابھی وقاص سے متعلق لکھا امام اسماعیل بخاری نے کہ وہ پہلے تو آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے, اور پھر جب رہا نہیں گیا تو ان کے کھڑے ہو گئے, پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ, اور پھر پورے مجمے پر ختمی مرتبہ نے طائرانہ نگاہ ڈالی. اور سب کو دیکھنے کے بعد اب ایک سوال پوچھا کہ علی کہاں, علی کہاں ہے؟ سب نے بیک زبان بتایا یا رسول اللہ علی بیمار ہے, وہ چلنے کے لائق نہیں ہے, ان کو دکھائی نہیں دے رہا. فرمایا علی کو لے کے چند صاحب اٹھے اور سہارا دے کر دونوں طرف سے مولا متقیان کو لے کے آئے, چونکہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. پیغمبر نے علی کا سر, یہ تمام تاریخوں کے متفقہ جملے عرض کر رہا ہوں, اپنے زانوں پر رکھا, پھر اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا, اور اس کے بعد علی اسی لمحے شفا یاب ہوئے. اور علی فرماتے ہیں پھر زندگی میں کبھی مجھے دوبارہ آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی, یہ لعاب رسول کا اثر تھا. اور اس کے بعد خود تیار کیا علی کو, اور علی جب چلے تو ایک سوال پوچھا, آقا بتا دیجئے کب تک لڑنا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جب تک اسلام قبول نہیں کر لیتے. علی چلنے لگے, صحابہ نے آواز دی, اے علی, ابو تراب, ابو الحسن, تھوڑا سا رک جائیے, ہمیں بھی لیتے جائیے, لیکن پہلا موقع ہے. علی نے کسی کا انتظار نہیں کیا, سرعت کے ساتھ اس انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے, اور اب صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, جہاں تک کہ ساتواں قلعہ ابن ابی الحقیق, جسے قلعہ خیبر کہا جاتا ہے, پیش قدمی شروع کی, یہاں تک کہ کچھ صحابہ بھی ملحق ہو چکے تھے. سب سے پہلے مرحلے میں مرحب کا چھوٹا بھائی حارث آیا,
سچ سچ کے تیار ہو کے, لیکن علی ابن ابی طالب نے اگلے ہی لمحے حارث کو اور اس کے باقی 18-20 میں سے 18 ساتھیوں کو حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا. جیسے یہ منظر دیکھا, اور اس سے پہلے کیا عجیب کام ہوا جسے طبری نے بھی لکھا, حتی ابن خلدون جیسے متاثر مورخ نے بھی لکھا کہ علی کے چہرے پر ایسے جلال کے آثار تھے جو اس سے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیے گئے. یہاں تک کہ قلعہ کموس کے باہر اس پہاڑی چوٹی پر سامنے میں علی نے اپنے علم کو اس طرح سے گاڑا کہ جیسے مٹی میں اترتا چلا جاتا ہے. علی کا علم اس سنلاخ وادی میں پتھر میں اترتا چلا گیا. اس منظر کو دیکھ کر دشمن دہشت زدہ ہو گیا. حارث کو, اس کے 18 ساتھیوں کو حرف غلط کی طرح سے نابود کیا. یہاں تک کہ مرحب نے جب اپنے بھائی کو اس طرح سے مرتے دیکھا تڑپ کر باہر آیا, اور کس طرح سے لکھا ہے تاریخوں میں, اس نے کوٹ ڈبل پہنا ہے, زرہ ڈبل, نیزہ ڈبل, تلوار ڈبل. یہاں اگر میں بیان کروں تو بات پھیل جائے گی, لیکن پھر میں دوبارہ صاحبان ذوق کے لیے جناب زیدی مرحوم کا جملہ عرض کروں. ان سے پوچھا کہ ذرا آج ہمیں جنگ خیبر سنا دے. تو کیا سنو, خیبر میں کچھ نہیں ہوا تھا, کہ اتنی معروف جنگ ہے اور آپ فرما رہے کچھ نہیں ہوا تھا. کچھ تو ہوا تھا, جو ہوا وہ بتا دیجیے. کہ بس خیبر میں ایک چھوٹا سا کام کیا دیجیے. کہ کون سا کام؟ کہ مرحب جو مقابلے میں آیا تو اس نے زرہ بھی ڈبل پہنی تھی, خود بھی ڈبل, نیزہ بھی ڈبل اور تلوار بھی ڈبل, تو ہر شے ڈبل تھی. اور علی کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ہر چیز تو ڈبل لے کے آیا, خود سنگل ہے, وہ اچھا نہیں لگ رہا, اسے بھی ڈبل کر دینا چاہیے. اس طرح سے اس کو فنار کیا. اور اب علی آگے بڑھے, اور اب تمام تر یہودی جو باہر قلعے کے باہر صف آ رہا تھے سینکڑوں کی تعداد میں, علی آگے علی کی طرف بڑھے, اور علی ابن ابی طالب تنہا آگے آگے بڑھ رہے ہیں. کچھ صحابہ ہیں جو ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن علی کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک ایک یہودی پہلوان نے ایک ایسا اچھٹتا ہوا وار کیا کہ علی کی ڈھال, علی کی سپر ہاتھ سے چھوٹ گئی, اور ایک مرتبہ اللہ کے جلال کو جلال آیا. اب علی آگے بڑھے اور خیبر کے اس دروازے کو جسے بیسیوں لوگ مل کر کھولتے تھے اور مل کر بند کرتے تھے, ایک مرتبہ اس دروازے میں ہاتھ رکھا اور اس کو جھٹکا دیا. دیکھیں میرے عزیز و آپ کے دائیں بائیں یہ دروازے موجود ہیں. اگر کبھی آپ کو اپنے گھر میں کوئی دروازہ اکھاڑنا پڑ جائے تو اس کے لیے پھر بننا یا مستری 1-2 دن خرچ کرتا, اس کے قبضے اور وہ کنڈے جو دیوار کے اندر پیوست ہوتے ہیں پہلے انہیں نکالا جاتا ہے تاکہ دروازہ باہر نکالا جا سکے. اور خیبر کا وہ دروازہ, خود سوچے اس کی جسامت کو, اس کے وزن کو, اتنا بڑا دروازہ جسے بیسیوں پہلوان مل کے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے. ایک مرتبہ علی نے اس دروازے میں ہاتھ ڈالا اور پھر اسے کھینچا, دروازہ اکھڑا, اور مقداد بن اسود روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا جس طرح سے قلعہ خیبر میں زلزلہ آ رہا تھا, گرد و غبار اٹھ رہا تھا, یہاں تک کہ یہودی بھاگ رہے تھے, جو مر رہا تھا وہ بھی بھاگ رہا, جو وہ بھی اس کی زبان پر بھی علی تھا, اور جو زخمی تھا اس کی زبان پر بھی علی تھا, اور جو بھاگ رہا تھا اس کی زبان پر بھی علی تھا. اور علی در خیبر کو اکھاڑنے کے بعد اس اطمینان سے کھڑے مسکرا رہے, یہ علی کی کیفیت ہے. لیکن جو جملہ علی کے باب میں جہاں سے میں نے بات شروع کی, علی کیوں ابدی ہے, علی کیوں سرمدی ہے, علی کیوں لازوال ہے, علی کیوں آفاقی ہے, علی کیوں یونیورسل ہے, علی کیوں ہمگیر ہے, علی کیوں ابدی حیثیت رکھتے ہیں تاریخ میں, اس لیے کہ علی نے 63 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا, ہمیشہ خدا کی طرف بلایا. چونکہ آج جوان بڑی تعداد میں میرے سامنے بیٹھے, کبھی کبھی میں مثال عرض کیا کرتا ہوں, لیکن آج پھر یہ مثال عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ہماری زندگیوں میں دیکھتے ہیں بہت سارے افراد مسجد بناتے ہیں, مسجد مکمل نہیں ہوتی تختی پہلے لگاتے ہیں, امام بارگاہ تعمیر کیا مکمل نہیں ہوا پہلے تختی لگی ہے, کچھ اور کام کر دیا تختی لگی ہے, یہاں تک کہ عبادات سے نکل کر دنیا کے معاملات میں, اور اگر ہم اپنے سماجی رویوں کو سمجھنا چاہیں تو معاملات اور عبادات سے نکل کر کھیل کے میدان میں آ جائیں. یہ جوان جو کافی تعداد میں میرے سامنے بیٹھے شوق سے کھیلتے ہیں جس کھیل کو, اس ملک کا قومی کھیل کچھ اور ہے ہاکی, لیکن کھیلتے کرکٹ,
और जब बुजुर्ग बैठे अगर खेलते नहीं तो देखते हैं, कम से कम जिस दो रोज हमसाया मुल्क के साथ आपका मैच हो फिर टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं और बड़ी खुशी से देखते हैं। ये क्रिकेट क्या है? एक बड़ा सा मैदान है जिसके वसत में तीन डंडे गाड़ते हैं जिन्हें विकेट बोलते हैं, और उनके सामने एक बल्लेबाज खड़े हो जाता है, और सामने से मुखालिफ टीम का एक खिलाड़ी वो अपने हाथ में गेंद लेता है और फिर भागता हुआ आता है। उसकी कोशिश है कि इतना निशाना लेकर तेजी से सुरत से गेंद फेंके ताकि सामने जो तीन डंडे हैं ये गेंद इन डंडों में से किसी को छू ले और गिरा दे। इसी के अगर डंडा गिरा तो वो बल्लेबाज उसको मैदान से निकलना पड़ जाएगा, वो आउट हो जाएगा। अगर आपका या मुखालिफ मुल्क का खिलाड़ी इतनी महारत से गेंद फेंके कि वो किसी विकेट को उखाड़ने में कामयाब हो जाए, बुजुर्ग भी देखते हैं, वो बैठकर क्लैपिंग करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, मिठाइयां तकसीम होती हैं। अगर कोई बॉलर इस महारत से गेंद फेंके और वो डंडा उखाड़ने में कामयाब हो जाए तो मुझे बताएं उसका अक्सर अमल क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या करता है? वो पूरे मैदान में दौड़ता है, चक्कर लगाता है, और उसके साथी उसे अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। तवज्जो, बस आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं, मेरे पास सैयद बुजुर्गवार पढ़ेंगे, वो तशरीफ ला चुके, समेट रहा हूं गुफ्तगू को, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, उसके साथी बाकी खिलाड़ी उसे अपने कंधों पर बिठा लेते हैं, और फिर वो खिलाड़ी जिसने ये बाल फेंकी होती है ये अपने बाजू बार बार फिजा में बुलंद करता है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मसल दिखा रहा है। क्या किया? एक विकेट उखाड़ी। ये हम हैं, और हमारे समाजी और मुआशरती रवैये कि हमारा बॉलर एक विकेट उखाड़े तो दुनिया वालों को अपने मसल दिखाए। और वो अली इब्ने अबी तालिब जो खैबर के उस दरवाजे को जिसे बीसियों लोग मिलकर खोलते थे और बीसियों लोग मिलकर बंद करते थे, एक जुम्बश दस्त से इस दरवाजे को फिजाओं में उछाल दे, और उछालने के बाद अली ये फरमाए कि ये दरवाजा मैंने अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा, ये तो उसकी दी हुई ताकत थी। इसीलिए शेख साथी ने कहा अली अमोस इखलास से अमल, ये अली की शुजात है। मुझे बताइए इस्लाम की 83 जंगों में से किसी एक जंग का नाम लीजिए जो वजूद मुबारक अली के बगैर फतह हो गई। सैयद बुजुर्गवार तशरीफ ला चुके हैं, आखिरी जुमला, आज हमारे कोर्स में हमारे निसाब में आप लिख के हमारे बच्चों के पैगाम दे रहे हैं, अली ने फलां की बयत की, अली ने कभी किसी की बयत नहीं की। पहले समझे कि अली कौन है, इसी जुमले पे गुफ्तगू समेट रहा हूं। ये जंगे हो जाए, ये सूरह बरात की तबलीग हो जाए, क्यों पैगंबर ने एक फात को भेजा और वापस बुला लिया? इसी की वही नाजिल हुई कि ए रसूल या खुद जाइए या उसे भेजिए जो आपका नफ्स है, आपकी जान है, जो सूरह की तबलीग की सलाहियत रखता है। तो जो फर्द एक सूरह की तबलीग की हैसियत नहीं रखता वो पूरे कुरान की तबलीग की सलाहियत कैसे रख सकता है? फवातिम को लेके जाना है, फातिमा बिनत जुबैर, फातिमा बिनत अब्दुल, फातिमा बिनत मोहम्मद, फातिमा बिनत असद, कौन लेके गए अली? और हिजरत के मौका पर कौन खत्मी मर्तबत के बिस्तर पर सोया? अगर अली ना सोते, ये मिस्रियाल है रावलपिंडी, ये आपके हुजरे और आपके घरों के कमरे जहां पर आपके बेड के साथ साइड टेबल है, ऊपर लैंप पड़ा हुआ है कि अगर को आप उठना चाहें तो फौरन से बटन दबाएं और रोशनी ऑन हो जाए और आप देख सकते हैं। अली को पैगंबर जिस हुजरे में सुला के जा रहे हैं रोशनी का इंतजाम नहीं है, और बाहर दसियों नंगी तलवारें और सबके सब मुंतजिर हैं कुफ्र के सरदारों के हुक्म के कि कब ये कहे और कब हम टूट पड़े, और जैसे ही इशारा होगा इन दसियों तलवारों ने टूट पड़ना है, जो बिस्तर मुस्तफा पर सो रहा है क्या हाल होगा? टुकड़े और टुकड़े उड़ा दिए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अली के पास कोई लाइट है, रोशनी का इंतजाम है, अली बटन दबाए कि नहीं नहीं पैगंबर तो जा चुके, मैं अली हूं ना, ऐसी फुर्सत नहीं है। यहां पर खत्मी मर्तबत की जान को बचाने के लिए मुख्तसर कर रहा हूं, आखिरी जुमला, पैगंबर के बिस्तर पर अली आराम कर रहे हैं, ये जान बेची है कितनी मर्तबा और कितने मुश्किल मरहले पर, सिर्फ जान का सौदा नहीं कर रहे, 13 साल मुसलसल मेहनत की, तो आप वजीर की हैसियत से वो उस मनसब को भी छोड़ रहे हैं कि अगर आज शहीद हो जाए तो क्या मिलेगा? सिर्फ जान नहीं जाएगी, मुमकिन मनसब भी नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह को अली की ये तिजारत इतनी पसंद आई, देखिए आप सब के सब जाग रहे हैं,
और आप में दुकानदार और ताजिर भी बैठे। दुनिया में तमाम अफराद और ताजिर और दुकानदारों ने मिलकर जागते हुए ऐसी तिजारत न की, न कर सकेंगे जो अली ने सोकर की। शबे हिजरत अली ने क्या बेचा और क्या खरीदा, बस खत्म कर रहा हूं ताकि इसके बाद फिर बैत का नाम ना लिया जाए और निसाब की किताबों में लिखा जाए कि अली ने फलां की बैत करनी थी इतने महीने बाद। शबे हिजरत अली का ये अमल जब खुदा ने तोला तो फिर बैनामा कुरान में जिक्र किया। अगर पैगंबर कह देते तो लोग कहते हदीस है, ज़ईफ है, मुरसल है, नाकाबिले कबूल है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, वमिनन्ना से मई यशरी, लोगों में से एक ऐसा है मई यशरी जो बेचता है नफ्सहू, अपना नफ्स, अपनी जान, अपनी रूह, जिंदगी, अपनी हयात, और क्या खरीदता है, मरज़ातिल्लाह। अगर बात पहुंची हो तो समेट रहा हूं इसी जुमले पर। शबे हिजरत अली ने खुदा को क्या बेचा और क्या खरीदा, शबे हिजरत अली ने अल्लाह को अपनी जान बेची और बदले में क्या खरीदा, जी अल्लाह की रजा, नफ्स अली, अली ने अपना नफ्स बेचा, खुदा की रजा खरीद ली। तो अब हिजरत के बाद नफ्स अली कहां है, अली तो बेच दिया, तो नफ्स अली खुदा के पास, और खुदा की रजा कहां है, अली के पास, नफ्स अली खुदा के पास और रजाए खुदा अली के पास। अब अगर किसी को अली से बैत लेने का शौक है तो खुदा के पास जाए, इसलिए कि नफ्स अली वहां है। और अगर किसी को रजी अल्लाह बनने का शौक है तो वो अली के दरवाजे पर आ जाए, इसलिए कि अल्लाह की रजा यहां है। अगर उसका सर अली के दरवाजे पर झुक जाए तो रजी अल्लाह है, और अगर कोई अली के मुकाबले में आ जाए रजी अल्लाह तो नहीं है, ला